हम बेंगलुरु शहर के जेसी नगर के इलाके में मौजूद हैं, जहां पर पुलिस ने बैरिगेडिंग की है। बैरिगेडिंग कर लोगों को चेक किया जा रहा है, क्योंकि हुकूमत कर्नाटका ने कर्नाटका स्टेट के अंदर और बेंगलुरु शहर के अंदर लॉकडाउन किया गया है। और जो लोग अननेसेसरी जो अपने घरों से निकल रहे हैं और उनके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है, तो उनको पुलिस पकड़ रही है, पकड़कर उनकी गाड़ियों को सीज करने का काम कर रही है। अगरचे उनके पास कोई वैलिड रीज़न है या कोई फार्मा डिपार्टमेंट के हैं या कोई मेडिकल डिपार्टमेंट के हैं, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट है और उनके पास आईडी प्रूफ है, इस मौके पर उन लोगों को रियायत दी जा रही है, छूट दी जा रही है, उनकी गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है, उनके व्हीकल को छोड़ा जा रहा है। वरना जिनके पास कागजात नहीं है, जो अननेसेसरी अपने घरों से निकल रहे हैं, बिलावजह अपने घरों से निकल रहे हैं, बड़ी कोई गाड़ी हो या कोई बड़े अफराद हो, वो देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ज़बरदस्त गाइडलाइन दिए गए हैं कि गाड़ियों को जब्त किया जाए और गाड़ियों को सीज किया जाए। इसी के चलते हम आपको इसी जैसी नगर के इलाके के पास एक नज़ारा ये भी दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ मौजूद हैं, बहुत सारी टू व्हीलर्स मौजूद हैं, जिसे डिपार्टमेंट ने सीज कर लिया है, उनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। और वो सारी की सारी गाड़ियाँ इस वक्त पर जेसी नगर पुलिस स्टेशन के पास मौजूद हैं। जिस तरीके से आप इस मंज़र में देख सकते हैं, सारी गाड़ियों को जब्त किया गया है। तो इसी के चलते यहाँ पर अभी एक कार आई, जो जिनके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है और इनके पास कोई वैलिड कागजात और आईडी प्रूफ नहीं है, तो इस कार को भी जब्त किया गया है, इस कार को भी सीज किया गया है। तो नाज़रीन, इसके जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जहाँ कहीं भी जो भी गाड़ी आ रही है, पुलिस पकड़ रही है, पकड़कर उनका आईडी प्रूफ चेक किया जा रहा है। अगर उनके पास वैलिड रीज़न है तो उन्हें छोड़ा जा रहा है, अगर उनके पास वैलिड रीज़न नहीं है तो बिलावजह कोई बात किए बगैर उनकी गाड़ियों को सीज किया जा रहा है।